जय हिंद साथियों, वंशिका आल जाब हिंदी चैनल में स्वागत है। साथियों, एक वैकेंसी निकली हुई है जो कि ये वैकेंसी अग्निपथ सेवा योजना है, इसके तहत वैकेंसी निकली हुई है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो मतलब अग्निपथ सेवा योजना में निकाले हैं, जो कि उसमें नौजवान 17.5 से 21 वर्ष के कैंडिडेट जाकर देश सेवा कर सके, जो कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना यानी तीनों सेनाओं में जाकर हमारे उन नौजवान युवाओं जाकर उसमें भर्ती होकर 4 साल के लिए सेवा कर सके। साथियों, उसका पूरा डिटेल बताएंगे, शॉर्ट नोटिस जो आया है उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे कि अग्निपथ योजना क्या है। लेकिन साथियों, इसमें वैकेंसी डिटेल बताएंगे, सैलरी बताएंगे, आप लोग को क्या क्या सुविधाएं ये बताएंगे। तो साथियों, वंशिका आल जाब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए ताकि आने वाला जो भी वैकेंसी हो इस चैनल के माध्यम से पता चले। तो साथियों, आर्मर्ड फोर्स रिक्रूटमेंट 2022 जो कि थ्रू एप्लीकेशन से शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन बता रहा हूँ। तो साथियों, इसमें जो नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस जो आया था यह 14/6/2022 को आया था। अग्निपथ योजना यानी थल सेना, वायु सेना, जल सेना में युवाओं को भर्ती की जाए। और साथियों बता दें, इसका ऑनलाइन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे स्टार्ट होगा ऑनलाइन, तो जैसे स्टार्ट हो जाएगा, डेट आ जाएगा, फिर मैं बता दूंगा। और साथियों, इसमें एप्लीकेशन फीस जो है साथियों, ओबीसी, एससी, जनरल या एसटी कोई भी कैंडिडेट को किसी भी चाहे ओबीसी हो या जनरल हो, कोई भी कैटेगरी हो, उनका फीस नहीं लगा है। और साथियों बता दें, एज बाउंडेशन जो है मिनिमम 17.5 से मैक्सिमम 21 वर्ष के कैंडिडेट इस सेना में जा सकते हैं, इसको इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। और साथियों बता दें, जो इसमें वैकेंसी है 46,000 है, यानी टोटल वैकेंसी जो है 46,000 है। और साथियों बता दें, जो युवा इसमें भर्ती हो जाएंगे उनको 4 साल सर्विस करने का मौका मिलेगा। 6 महीना तो ट्रेनिंग करेगा, 3.5 साल देश सेवा करने का मौका मिलेगा। और साथियों बता दें, सैलरी के बारे में पहले तो बता दें, सैलरी जो मिलेगा फर्स्ट वर्ष जो तुम्हारा रहेगा 30,000 मिलेगा। 30,000 में से आपको 21,000 इन हैंड मिल जाएगा। और साथियों आपका फंड 9,000 फंड कट जाएगा। और सेकेंड वर्ष यानी दूसरा साल में 33,000 मिलेगा, 23,000 इन हैंड मिलेगा और साथियों 9,900 फंड कट जाएगा। और साथियों बता दें, थर्ड वर्ष यानी तीसरा साल आप लोग को 36,500 मिलेगा, आपका उसमें 25,580 रुपया इन हैंड मिलेगा, 10,950 रुपया फंड कट जाएगा। और साथियों बता दें, फोर्थ यानी चौथा साल आप लोग को 40,000 मिलेगा, 40,000 में इन हैंड 28,000 मिलेगा और आप लोग का 12,000 जो है वो फंड कट जाएगा। और साथियों आप लोग को बता दें कि रिटायरमेंट होने पर क्या क्या सुविधाएं मिलेगी आप लोग को। साथियों एग्जिट आफ्टर 4 ईयर्स रिस 11.71 लाख आप लोग को। साथियों रिटायर होने के बाद 4 साल आप लोग का पूरा हो जाएगा, रिटायरमेंट अगर आप लोग हो जाते हैं तो 11.71 लाख है सेवानिधि पैकेज मिलेगा, यानी आप लोग को 11.71 लाख जो सेवानिधि पैकेज मिलेगा रिस, और 48 लाख का आप लोग का इंश्योरेंस भी होगा। और साथियों अगला वीडियो जल्दी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में बताएंगे। साथियों वंशिका आल जाब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए ताकि जो भी वैकेंसी हो इस चैनल के माध्यम से पता चले। जय हिंद साथियों।